हरदोई में क्रिकेट लीग SCL 3 का RR इंटर कॉलेज में शुभारंभ हुआ, जहां पर हरदोई के RR इंटर कॉलेज में पूर्व विधायक गंगा सिंह चौहान व नगर पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्र, मधुर पारुल दीक्षित व समाज सेवी राजवर्धन सिंह राजू के हाथों शुभारंभ हुआ। पूर्व विधायक गंगा सिंह चौहान ने रिबन काट कर मैच का शुभारंभ किया। वहीं पारुल दीक्षित व राजवर्धन सिंह राजू ने सभी खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया। साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्र ने गेंद खेल कर मैच की शुरुआत की और खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वहीं इस मौके पर अखिलेश सिंह, हर्षराज सिंह, जितेंद्र श्रीवास्तव, शुरुआत पूर्व विधायक गंगा सिंह चौहान जी ने की है, जिसको हम लोग साई नशा मुक्ति और आत्म संतुष्टि परिवार ने जो है आयोजित कराया है। माननीय अंकित सिंह परमार जी और उनकी पूरी टीम ने किया है। हम लोगों का जो लक्ष्य है, हरदोई जनपद से खेल की जो हम लोग क्रिकेट की शुरुआत करा रहे हैं, ये टीमें देश विदेश तक में खेले जाके यहाँ के लोग, यहाँ के युवा आगे बढ़ के ऐसे खेलों से उत्साहित होकर आगे बढ़ें, आगे बढ़ के हमारे जनपद का नाम आगे बढ़ेगा, इस लक्ष्य को लेकर हम लोगों ने शुरुआत कराई है। और क्रिकेट का खेल अपने आप में ही एक अलग खेल होता है, इसमें शरीर पर व्यायाम भी होता है, युवाओं को इसमें इसके प्रति इतना लगाव होता है कि अगर क्रिकेट का मैच आता तो सारे काम छोड़ के लोग कमेंट्री देखने का काम करते हैं, आदि लोग मौजूद रहे। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सुधीर शुक्ला के साथ आसाराम की रिपोर्ट, हरदोई। फिरोजाबाद में लुटेरों को नहीं है पुलिस का खौफ। जी हां, बाजार से घर लौट रहे दंपति से पुलिस चौकी के बाहर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि फिरोजाबाद में बदमाशों के हौसले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसका उदाहरण इसी से देखा जा सकता है कि चौकी के सामने से ही बदमाश लूट की घटना को, वारदात को अंजाम देने से नहीं चूक रहे। बीती रात बदमाशों ने बाइक सवार दंपति को रोक कर लूट की घटना को अंजाम दिया, फिर आसानी से फरार भी हो गए। पुलिस मामले की अब जाँच कर रही है। मामला थाना उत्तर की आगरा गेट पुलिस चौकी का है, जहां पर बीती रात दंपति अपने घर जा रहे थे, तभी चौकी के सामने बाइक सवार बदमाशों ने उनके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। दंपति ने बदमाश लेडीज पर्स मोबाइल छीन कर ही फरार हो गए। बाद में पुलिस को दंपति ने सूचना दी, तब तक पुलिस की नींद उड़ गई और मौके पर थाने की पुलिस CO City भी पहुंच गई, तब तक लुटेरे फरार हो चुके थे। फिलहाल पुलिस लुटेरों को जल्द पकड़ने की बात तो जरूर कह रही है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए रविंद्र कुमार की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में कानून के रक्षक ही नियमों का उल्लंघन करते नजर आए। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाराबंकी की, जहां पर बाराबंकी क्षेत्र के अंतर्गत सोमैया नगर चौकी पर तैनात सिपाही अनिल कुमार जी ड्यूटी के समय ना तो बेल्ट लगाना उचित समझते हैं और ना ही टोपी लगाना और ना ही नेम प्लेट लगाना उचित समझते हैं। जब उनसे पूछा गया तो सिपाही ने बताया कि टोपी, हेलमेट और नेम प्लेट चौकी पर रखिए, जो हम ड्यूटी के समय नहीं पहनते। देखिए यह कौन है कि लग रहा कि इनको पिन लगाने की तमीज नहीं है। देखिए यह कौन है, कौन लग रहा है कि सिपाही है कि क्या। सिपाही अनिल कुमार है, जिसके जेब में पिन लगा है, वह भी उल्टा लगा है। इनको पिन लगाने का भी तमीज नहीं। अब जरा सोचने वाली बात यह है कि जब यह पिन नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर ड्यूटी क्या करेंगे। नियमों का पालन अगर इसी तरह से सिपाही करते नजर आएंगे तो फिर आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। कहाँ पे भाई साहब आप तैनात हैं? कहाँ पे आप तैनात हैं? बाराबंकी। किस थाने में? कोतवाली नगर। आपका हेलमेट कहाँ है भाई साहब? आपका हेलमेट तो रखा नहीं, क्या गाड़ी जाम लगा रही ना, इसलिए इसको रुकाया थी। नहीं लेकिन हेलमेट तो आप तो कानून के रक्षक हैं, अगर आप ही कानून का उल्लंघन करेंगे फिर जनता क्या करेगी। भैया हम एक मिनट भाई साहब से बात करने दो। भाई साहब आपका बैच कहाँ है? क्या नाम है भाई साहब? अनिल कुमार। तो सुमैया नगर में तैनात हैं इस टाइम। तो अगर आप ये बताइए, अगर आप कहाँ पे है तो हेलमेट अगर आप नहीं लगाएंगे तो जनता को रोक रहे हैं, जनता को अगर आप रोकेंगे और आप हेलमेट नहीं लगा रहे हैं तो किस हिसाब से जनता से कहेंगे कि आप हेलमेट लगा के चलिए। TV1 इंडिया न्यूज के लिए राम निवास वर्मा की रिपोर्ट, फतेहपुर बाराबंकी।
रायबरेली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि पूरी दुनिया में हिंदुत्व का डंका बजाए हुए, जहां पर सभी लगभग हिंदू महापुरुषों एवं हिंदू शासकों की पुण्यतिथि एवं जन्मतिथि को आरएसएस बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाता रहा। इसी कड़ी में जानकारों के मुताबिक मराठा शासक वीर शिरोमणि शिवाजी का 15 मई के दिन राजाभिषेक हुआ था, तब से उस दिन को आरएसएस और हिंदू सभी हिंदू साम्राज्य दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। आज हिंदू साम्राज्य दिवस के अवसर पर आरएसएस विश्व हिंदू परिषद की लालगंज इकाई की ओर से भगवा यात्रा का आयोजन किया गया। भगवा यात्रा की बहुत खूबसूरत तैयारियां की गई थी, जिसमें आगे घोड़े पर दो नवयुवक सवार थे जो हाथ में तलवार लिए हुए थे, जिन्हें शिवाजी बनाया गया था। उनके पीछे एक बड़ा बैनर था जिसमें हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव लिखा हुआ था, जिसके पीछे भारी संख्या में युवा थे, कुछ बुजुर्ग भी थे जो भगवा पगड़ी पहने हुए थे और अति उत्साहित भी नजर आए। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए करण सिंह की रिपोर्ट, रायबरेली। रायबरेली के महाराजगंज में शनिवार को कोतवाली परिसर में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस व राजस्व के अधिकारियों के साथ मौजूद रहकर लोगों की समस्याओं को सुना गया और उनका यथासंभव निस्तारण भी मौके पर किया गया। शेष मामलों का निस्तारण के लिए निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि महाराजगंज कोतवाली परिसर में समाधान दिवस सम्पन्न हुआ, जहाँ पर आयोजन तहसीलदार विनोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में यह सम्पन्न हुआ। समाधान दिवस में आए फरियादियों के कुल 11 प्रार्थना पत्रों में 10 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। एसआई विभाकर शुक्ला, एसआई शुभम यादव, नरेंद्र सिंह सहित थाने का समस्त स्टाफ व लेखपाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अरविंद कुमार मौर्य की रिपोर्ट, महाराजगंज रायबरेली। रायबरेली के लालगंज तहसील में आरएसएस संघ के द्वारा भगवा ध्वज झंडा घोड़ों में से सवार होकर सैकड़ों की संख्या में पद संचलन का कार्यक्रम किया गया। आपको बता दें कि तहसील लालगंज के कस्बा टाउन एरिया में आज आरएसएस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में लालगंज के रामलीला मैदान में एकत्रित होकर वहां से शुभारंभ करते हुए भगवा ध्वज झंडा एवं घोड़ों में सवार होकर पूरे गाजा बाजा के साथ कस्बा लालगंज में चारों तरफ घूम घूम कर पद संचलन का शुभारंभ करते हुए अपनी या आरएसएस संघ की एकत्रित ताकत दिखाई, जो कि बड़े हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्वक यह कार्यक्रम किया गया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद साकिब के साथ राजेश कुमार मौर्य की रिपोर्ट, लालगंज रायबरेली।